हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार, सूर्य वीज़ा सर्विसेज़ में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आपको वीज़ा से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, आज हम बात करेंगे कि वीज़ा में क्या क्या चेंज आएंगे कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद। तो साथियों, आपको सबसे पहले बता दूँ, इंडिया के अंदर ये एक गंभीर बीमारी का रूप ले चुकी है। आज अगर आज की डेट की बात करें तो लगभग 3,500 मतलब 3,500 से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 90 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो साथियों, अब हम आप बात करेंगे कि इसके बाद वीज़ा में क्या क्या चेंज आएंगे। साथियों, में वीज़ा में बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं। यूँ मानो आपके लिए ये बीमारी वैसे तो होना नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जब ख़त्म होगा ना, उसके बाद बाहर जाने वाले जो लोग, चाहे वो टूरिस्ट के ऊपर बाहर जाने वाले हों, चाहे वो काम के लिए बाहर जाने वाले हों, उनके लिए मतलब बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसके बाद क्या होगा होगा, देखो दोस्तों, अभी तो इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हर एक कंट्री ने अलग अलग रूल के अनुसार क्या है, लॉकडाउन कर रखा है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अभी तक 14 अप्रैल तक है, श्योर नहीं है कि कब तक होगा। उम्मीद है कि 14 तारीख को ख़त्म हो जाए, और बहुत अच्छी बात है ये। और फ्लाइट्स भी, कुछ फ्लाइट्स ने अपनी मतलब बुकिंग लेना चालू कर दिया है, कुछ ने नहीं किया है। और दूसरा, बहुत सारी कंट्रियों के अंदर मतलब अलग अलग तारीख तक लॉकडाउन है। किसी में 15 अप्रैल तक है, किसी में 18 अप्रैल तक है, किसी में 25 अप्रैल तक है, तो किसी में 30 अप्रैल तक है। तो लेकिन साथियों, आपको एक बात बता दूँ, अप्रैल है वो तो काम स्टार्ट नहीं हो पाएगा वर्क वीज़ा का, टूरिस्ट वीज़ा का। लेकिन जो मई है ना, मई में आने वाले टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जॉब करने वालों के लिए भी, और जो लोग बड़ी कंट्री में टूरिस्ट वीज़ा लेके जाना चाहते हैं, जैसे कनाडा है, जो लोग टूरिस्ट वीज़ा लेके कनाडा, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, या वर्क के लिए जो भाई लोग मतलब सिंगापुर, मलेशिया, मकाऊ, या दुबई, कतर, ओमान, सऊदीया, इन कंट्रियों में काम के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो इस टाइम हम क्या करें साथियों, इस टाइम तो कुछ होगा नहीं, आप लोगों को पता है। इस टाइम जो लोग हैं ना, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, कनाडा या USA, UK, तो वो अपना बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने अकाउंट में डाल के उसको रोज़ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। तो ताकि क्या है, अपनी फाइल देखो मजबूत होगी, तो उसके बाद क्या होगा कि फाइल मजबूत होगी तो अपना वीज़ा बहुत आसानी से निकल जाएगा। और वीज़ा रूल्स, जो टूरिस्ट वीज़ा के रूल्स हैं, वो बहुत आसान होने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर ये बहुत अच्छी न्यूज है, और इसके अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे। सबसे मेन आपको बता दूं कि इसके बाद जो भी मतलब टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर बाहर जाना चाहेंगे या वर्क वीज़ा के ऊपर, उनका मेडिकल तो वैसे लगता ही लगता है, लेकिन अभी सुनने में जो आ रहे हैं कि COVID-19 जो ये कोरोना का है, उसका भी एक सर्टिफिकेट आप लोगों के उस मेडिकल के अंदर लगेगा। दूसरा, जो भाई मतलब बाहर जाना चाहता है, इच्छुक है, वो अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बैंक स्टेटमेंट रेडी कर सकता है। दुनिया में अलग अलग जगहों पे मतलब मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन कर रखा है, तो अप्रैल में तो काम स्टार्ट नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं डेफिनेटली मई से काम स्टार्ट हो जाएंगे। कोई 101% मई से काम स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल में तो मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद है कि काम स्टार्ट होंगे। और दोस्तों, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको नेगेटिव मत समझना कि अप्रैल में काम नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो इसका एक बेनिफिट हमें ही मिलने वाला है। देखो, ये बीमारी जितना जल्दी ख़त्म होना उतना सभी के लिए फ़ायदा है, और ये बहुत घातक रूप ले चुकी है। तो साथियों, मैं इसके बारे में भी आपको कहना चाहूँगा कि साथियों, घर पे रहें, बच के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करें, जितना जैसे उसके गर्म चीज़, खाने वाली चीज़ हो या पीने वाली चीज़ हो, जैसे पानी पी रहे हैं तो गर्म करके पिएं, खाना भी खा रहे हैं तो हल्का गर्म खाएं, तो इससे क्या है, इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है, आप मतलब घर पे रहो, और उम्मीद करते हैं कि 14 अप्रैल को ये सब कुछ हट जाएगा और एक रेगुलर लाइफ अच्छे से दोबारा चालू हो जाएगी। और बात रही वीज़ा की, मैंने आपको बताया ना, वीज़ा के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, मैंने आपको बताया। यह आपके लिए अच्छी न्यूज़ है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं
उनके लिए, भले ही वो टूरिस्ट पे जाएं, भले ही वो वर्क पे जाएं, भले ही वो किसी पर्पज़ से जा रहे हो, बिजनेस पर्पज़ से भी जो लोग बिजनेस करना चाहते थे उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जो जिन जिन कंट्री में क्राइसिस हुआ है वहाँ पे दरवाजे खुलेंगे इन सब के लिए। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो दुनिया की टॉप 10 कंट्रियाँ हैं जिनमें, मतलब अच्छी अच्छी कंट्रियाँ हैं, अगर बात करें तो USA है, कनाडा है, चाइना है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऐसी ऐसी मतलब जो महाशक्तियाँ थी ना उन्हीं कंट्रियों में सबसे ज़्यादा फैला है और हर कोई लोग वहीं जाना चाहता है। तो उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको भगवान के नाम पे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हमें बोलना चाहिए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोरोना के बाद हर जगह अपने को बेनिफिट मिलने वाला है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जो लोग टूरिस्ट पे जाना चाहते हैं वो अपने अकाउंट स्टेटमेंट रेडी रखें, ITR वगैरह रेडी रखें, और कोई भाई अगर फाइलिंग वगैरह कराना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर रहते हैं, वो फाइलिंग करवा सकता है, अपना मतलब डॉक्यूमेंट है ना रेडी रखें। तो आप इसको मौके को चूकना नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जिनका सपना है बाहर अच्छी कंट्रियों में जाना, तो वो लोग जाएँ। तो साथियों, स्वस्थ रहें, घर पे रहें, घर से बाहर ना निकलें। और आजकल कुछ सुना है कि कुछ लोग इसको मतलब एक गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, कुछ कोरोना पॉजिटिव हैं वो गली में या कहीं ना कहीं फैला रहे हैं इसको, तो वो न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन आप अपनी सावधानी रखें, लोगों के संपर्क में ना आए, लोगों से दूरी बनाए रखें, और सबसे इसका अच्छा इलाज ही लोगों से दूरी बनाए रखना है। तो साथियों, उम्मीद करूँगा आप अच्छे और रहें, स्वस्थ रहें, और आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहें, और सब कुछ सही होने के बाद हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि हम बाहर जाएं, हमारी फैमिली के लिए 2 पैसे कमाएं और अपना जो भविष्य का जो ड्रीम है वो अपना पूरा करें। तो साथियों, आगे हम मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्री में कैसी कैसी वैकेंसी आने वाली हैं, कैसी कैसी अपॉर्चुनिटी हैं, तो इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। घर पे रहें।